नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू यादव। सुपर फास्ट खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर का जिक्र। कोलकाता से रेप और मर्डर केस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां ये सिर्फ एक मर्डर रेप का मामला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमें डॉक्टरों की सुरक्षा की चिंता है, ये देश के डॉक्टरों की सुरक्षा का मामला है। कोलकाता रेप मर्डर केस पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, महिलाएं सुरक्षा से वंचित हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप देखिए कोलकाता में जिस तरीके से ट्रेनी डॉक्टर के साथ बर्बरता हुई है, उसके बाद से पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं, इसमें एक्शन लिए जाने की मांग की जा रही है और आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिए जाने की बात कही जा रही है। पूरा पश्चिम बंगाल इस वक्त प्रदर्शन की आग में है और देखा ही जा रहा है कि देश के कोने कोने में आवाजें बुलंद हो रही हैं, जब महिलाओं के लिए खास तौर पर सुरक्षा की मांग को और पुख्ता किए जाने का आंदोलन अब जोर पकड़ रहा है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपनी टिप्पणी की, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सिर्फ एक मर्डर रेप का मामला नहीं है, हमें डॉक्टरों की सुरक्षा की चिंता है, ये देश के डॉक्टरों की सुरक्षा का मामला है। कोलकाता रेप मर्डर केस पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, महिलाएं सुरक्षा से वंचित हो रही हैं। तो इन दिनों पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आवाज बुलंद की जा रही है। जिस तरीके से महिलाएं देर रात ड्यूटी के लिए जाती हैं और ऐसे हादसे होते हैं, हालांकि कोलकाता घटना के बाद और भी बर्बरतापूर्ण खबरें सामने आई हैं, चौंकाने वाले पूरे घटनाक्रम, जहां पर आए दिन जो रेप की घटनाएं हैं वो देखी जा रही हैं। अब इन तमाम घटनाओं के मद्देनजर सख्त एक्शन लिए जाने का जो आंदोलन है, अब ये और उग्र होता जा रहा है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सख्ती बरतने की बात कही है और ये पूरा मामला अब सीबीआई के जांच के दायरे में है। डॉक्टरों की सुरक्षा की चिंता है, डॉक्टरों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है, डॉक्टरों की सुरक्षा का मामला ये कोलकाता रेप मर्डर केस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है, महिलाएं सुरक्षा से वंचित हो रही हैं। तो वहीं कोलकाता रेप और मर्डर केस पर सुप्रीम कोर्ट में ये अहम सुनवाई हुई है। तो हमें डॉक्टरों की सुरक्षा की चिंता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और ये देश के डॉक्टरों की सुरक्षा का मामला है। कोलकाता रेप मर्डर केस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आवाज बुलंद की जा रही है। तमाम जो महिला जो डॉक्टर्स हैं, जो स्वास्थ्य विभाग कर्मी हैं, ये खास तौर पर सड़कों में उतरे हुए हैं और ये मांग कर रहे हैं कि अगर इनको सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जाएगी तो जिस तरीके से कोलकाता में कांड हुआ है, उसके बाद से अभी लोगों को डर का अब माहौल बन चुका है। यहाँ तक कि महिलाओं को अपने घर से बाहर भेजने में जो परिजन है वो भी डरते हैं, बेटियों को घर से बाहर भेजने में डरते हैं, क्योंकि अगर महिलाएं और बेटियां बाहर आती हैं और किस दरिंदे की नज़र उस पर पड़ जाए, क्या उसके साथ हो रहा है कोई नहीं जानता है। जब हादसा हो जाता है, चार दिन प्रदर्शन होता है और उसके बाद सब पहले जैसा हो जाता है, लेकिन इस बार महिलाओं का कहना है कि इस बार वो रुकेंगी नहीं जब तक आरोपियों को सख्त सजा नहीं मिल जाती है, सुरक्षा की पुख्ता बात नहीं कही जाती है, सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जाती है, तब तक इसी तरीके से आंदोलन चलता रहेगा। और चलिए अब देखेंगे 50 बड़ी खबरें तेज अंदाज में।